गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्यूटीज ऑफ वी। गाइस, मैं जानती हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं मार्केट से एक्सपेंसिव स्क्रब्स, टोनर्स, क्लेंजर्स या क्रीम्स ले लेके। तो मैं आज इस वीडियो में आपके लिए इन सारे प्रोडक्ट्स का एक सोल्यूशन जिससे आप रिप्लेस कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को आप रिप्लेस कर सकते हैं। बिल्कुल आपके बजट में आएगी ये चीज़, बिल्कुल आपकी पॉकेट फ्रेंडली रहेगी ये चीज़। तो सबका एक रिप्लेसमेंट एलोवेरा जेल। आपको पता है एलोवेरा जेल जो है उसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं, प्लस मिनरल्स हैं, प्लस विटामिन्स हैं। पर आप ये नहीं जानते कि एलोवेरा जेल को अपने फेस और हेयर के लिए कैसे यूज़ किया जाए। तो आज मैं इस वीडियो में आपको एलोवेरा जेल के यूजेस बताऊंगी हेयर और स्किन के लिए, जिससे आप एक्सपेंसिव और केमिकल वाले जो प्रोडक्ट्स आप ले रहे हैं आज तक, उससे आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, एलोवेरा जेल के यूजेस अपनी स्किन और हेयर के लिए, और इस तरह से एलोवेरा जेल हमारे मार्केट के एक्सपेंसिव और केमिकल प्रोडक्ट्स को रिप्लेस कर देगा। जो फर्स्ट मेथड है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, हमारी जो डल स्किन हो जाती है या ड्राई स्किन हो जाती है उसको ग्लो और ब्राइटन करने में। तो हमें 1 teaspoon ऑफ एलोवेरा जेल लेना है और हमें 2 teaspoon ऑफ मिल्क इसमें ऐड करना है और 1/2 teaspoon ऑफ रोज वाटर इसमें हमें ऐड करना है। तो ये जो 3 ingredients हैं, इनकी प्रॉपर्टीज आपके स्किन को क्लियर बनाती हैं। तो कॉटन बॉल लेके आप इसको डिप करके अपने पूरे फेस पर आप इसको अप्लाई करें और 15 से 20 मिनट छोड़ दें। फिर उसके बाद आप फेस वॉश करें तो आप देखेंगे जो आपकी ड्राई और डल स्किन है वो एकदम रेडियंट, हेल्दी और ग्लोइंग लगने लगेगी। एलोवेरा जेल का जो सेकंड यूज है वो सबसे अच्छा फेशियल स्क्रब बन सकता है। ट्रस्ट मी गाइस, जो मार्केट के जो स्क्रब्स होते हैं वो आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा हार्श होते हैं, पर एलोवेरा जेल में सूदिंग प्रॉपर्टीज होती है जिसकी वजह से आपकी फेस पे वो काम रहते हैं। 2-3 drops ऑफ एलोवेरा जेल लेना है एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट एज अ स्क्रब बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है, प्लस अगर आप उसके साथ थोड़े 2-3 drop एलोवेरा जेल के साथ डाल दें तो ट्रस्ट मी गाइस, वो आपके चेहरे पे जो भी ब्लैक हेड्स होंगे, जो भी वाइट हेड्स होंगे वो आपके चेहरे से हटा देगा। और इसको लगाने के बाद आप 30 to 40 seconds इसको मसाज करें, ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा रिप्लेनिश करेगा और ग्लोइंग बनाएगा। जो एलोवेरा जेल का जो थर्ड बेनिफिट है वो है आप इसको हेयर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो हेयर के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, एज अ हेयर मास्क भी यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जेल को अपने हेयर पे अप्लाई करें एज अ मास्क, आप इसको 15 मिनट पहले शैम्पू से पहले आप यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आप इसको वॉश कर लेंगे। तो आप जब वॉश करके आएंगे अपने बाल तो आपको फ़र्क नज़र आएगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी इतने न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे, इतना नरिश हो जाएंगे, आपके बालों में शाइन आ जाएगी, जिससे आपके बालों की क्वालिटी इम्प्रूव होगी। आप एलोवेरा जेल को एज अ कंडीशनर और सिरम भी यूज़ कर सकते हैं, वो ऐसे आप जब हेड वॉश करके आए तो ज़रा सा एलोवेरा जेल लेके आप अपने एंटायर हेयर पे आप ज़रा सा लगाएं, उसके बाद आपको इंस्टेंटली फ़र्क लगेगा कि आपके जो बालों में जो टेंगल्स हैं वो बिल्कुल नहीं होंगी, इंस्टेंटली आपके बाल एकदम स्मूथ लगने लगेंगे, बिल्कुल शाइन आ जाएगी आपके बालों में। और उसके बाद आपको कोई भी हीटिंग प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है, चाहे वो ड्रायर ही क्यों ना हो, चाहे वो कर्लर ही क्यों ना हो, आपको इसको एयर ड्राई ही रखना है। तो उसके बाद आप फ़र्क देखेंगे कि आपके जो बालों में फ्रिजनेस थी वो चली गई है, एकदम शाइनी बाल हो जाएंगे। एलोवेरा जेल का जो 4th use है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है एक्ने और पिंपल रिमूव करने के लिए। तो आपको इसमें क्या करना है, तो 1 spoon में आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल ले लें, 1 dot आप कोई भी 1 dot आप टूथपेस्ट ले, कोई भी आप जो यूज़ कर रहे हैं वो इसको अच्छे से मिक्स कर लें और जहाँ पे आपके एक्ने के या पिंपल्स के स्पॉट्स हैं उसको लगा लें और इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दें। तो ये जो प्रोसेस है इसको आपको डेली ही करना है। अगर आपको फ़र्क चाहिए, अगर आपको रिडक्शन चाहिए अपने पिंपल और एक्ने के स्पॉट्स में, तो डेफिनेटली जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपके डेफिनेटली पिंपल और एक्ने मार्क्स बहुत कई हद तक रिड्यूस होंगे और चले भी जाएंगे। एलोवेरा जेल में सूदिंग और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, तो ये आपके हर स्किन टाइप के लिए बेनिफिशियल है, फॉर सेंसिटिव स्किन टू। एलोवेरा जेल का जो 5वां बेनिफिट है वो ये है कि आप इसको टोनर की जगह भी
यूज कर सकते हैं। तो टोनर बनाने के लिए, एलोवेरा जेल टोनर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, बाउल चाहिए। एक बाउल में आप थोड़ा सा पानी या एक कप में आप थोड़ा सा पानी ले लीजिए और एक ग्रीन टी बैग ले लीजिए और उसको सोक कर लीजिए। तो सोक करने के बाद आप देखेंगे जो पानी का कलर है वो चेंज हो जाएगा। और उसके बाद आपको एक खाली बाउल में 2 टेबल स्पून ग्रीन टी वाटर आपको लेना है, प्लस एक स्पून एलोवेरा जेल ऐड करना है और कॉटन बॉल लेके उसको डिप करके अपने पूरे चेहरे पे आपको अप्लाई करना है। तो आपका जो ग्रीन टी प्लस एलोवेरा जेल टोनर है वो बहुत ही ज्यादा आपकी स्किन को रिफ्रेश करेगा, मिनिमाइज करेगा आपके जो पोर्स है, रिड्यूस करेगा आपकी एंटी एजिंग को भी, स्किन में जो भी रिंकल्स और फाइन लाइंस है उसको रिड्यूस करेगा और आपकी स्किन को यंग रखेगा। तो हो गया ना एलोवेरा जेल एक परफेक्ट टोनर, एक बढ़िया सा टोनर। तो हाँ, आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। एक कंटेनर लेके आप 6 to 7 teaspoon ऑफ ग्रीन टी वाटर प्लस 6 to 7 tablespoon ऑफ एलोवेरा जेल को आप इसको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं और एक वीक तक आप रेफ्रिजरेट करके स्टोर करके आप इसको यूज कर सकते हैं। एलोवेरा जेल का जो 6th बेनिफिट है वो है, आप एलोवेरा जेल को एज अ प्राइमर भी यूज कर सकते हैं। तो मेकअप से पहले आपको थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेके अपने फेस पे हल्का सा लगाना है, फाउंडेशन से पहले आपको उसको हल्का सा लगाना है आपके फेस पे, जिससे आपके फाउंडेशन में जो भी केमिकल्स हैं वो आपके फेस पे नहीं जाएंगे, प्लस आपके पोर्स हैं वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे और बहुत ही इवन स्किन टोन लगेगी, इससे आपका मेकअप बहुत ही ज्यादा यूजफुल और प्रिटी लगेगा। सो इन दी एंड आई वांट टू से दैट मैंने यहाँ पे पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज किया है। आप कोई भी एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं, आप तो जाइए, उठिए, अपना एलोवेरा जेल लेके आइए और बाय बाय कहिए अपने एक्सपेंसिव और केमिकल वाले प्रोडक्ट्स को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बाय गाइस।